We are discussing about the class 7 chapter number 4th heat. ठीक हो NCERT में आपका है फोर्थ नंबर का चैप्टर है. बट देखो जो अदर्स बुक है जो जैसे कि मैकमिलन या फिर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज वगैरह की, तो बहुत सी बुकों में ये हीट और टेम्परेचर दो नाम से आता है. चैप्टर एक ही होता है, हीट और टेम्परेचर आ जाता है उसमें से. टेम्परेचर को थोड़ा सेपरेट कर देते हैं. तो आपके एनसीईआरटी में बस हीट के नाम से ही ये चैप्टर. तो देखो अब हीट के थ्रू ही टेम्परेचर होता है. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है ये किसका मेजरमेंट होता है? टेम्परेचर का. ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम या ज्यादा किस पे डिपेंड करता है? कि उसमें अमाउंट ऑफ हीट कितनी है. जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट उतना ही या वो सब्सटेंस उतना ही क्या होगा? हॉट होगा. या जिसमें अमाउंट ऑफ हीट जितनी कम होगी उतनी ही उसमें क्या होगी? वो कोल्ड होगा. और क्या होगा? उतना ही कोल्ड होगा. तो मतलब कोई भी सब्सटेंस हॉट है दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट क्या है? ज्यादा है. ठीक है, और जो जितना ज्यादा हीट अप होगा वो उतना ही ज्यादा उस सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसमें टेम्परेचर के बारे में. तो देखो टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस और प्लेस. मतलब कोई भी टेम्परेचर को किस तरह मेजर कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर, या कोई भी प्लेस कितना हॉट है या कोल्ड है इसके थ्रू अपन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, या अपन इस मतलब उसमें कितनी नंबर ऑफ कितनी अमाउंट ऑफ हीट है इसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो हम जैसे हम देखते हैं कि जैसे कि हम दो बीकर है, जैसे हमारे पास क्या है? टू बीकर है. ठीक है, टू बीकर, ये एक में हॉट वाटर, एक में कोल्ड वाटर. अब जैसे हमने इसमें अपना हैंड सबमर्ज किया, हैंड इसमें डाला, तो हमें क्या होगा? एक इसमें तो क्या होगा हॉट फील होगा, इसमें क्या होगा? कोल्ड फील होगा, ठंडा फील होगा. ठीक है, तो दैट मीन्स हमें इससे हमें क्या पता लगेगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है. अब देखो ये चीजें हमें पता कैसे लगेगी? तो देखो टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है. ठीक है, तो टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर. ठीक है, उसके थ्रू हमें हम डायरेक्ट किसी भी चीज का टेम्परेचर देख के हम बता सकते हैं. जैसे कि मान लो उस पर कोई भी सब्सटेंस है, उसके बार लिखा हुआ है, कोई मतलब लिक्विड फील है या कोई भी चीज, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस. तो दैट मीन्स क्या होगा? हमें देखते ही पता लग गया कि उसका टेम्परेचर हाई है. या किसी में लिखा हुआ है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कोल्ड है. ठीक है, तो इस टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर होता है उसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर. तो मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर. तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर. ये इंपॉर्टेंट चीज होती है. ये तो क्या हो गया, ये तो हमने क्या कर लिया? टेम्परेचर को मेजर कर लिया. अब देखो अब बात आती है कि उसकी यूनिट क्या होगी, मतलब किस में हम उसको मेजर करेंगे. तो जैसे टेम्परेचर जो यूनिट होती है ना टेम्परेचर की, वो क्या होती है? केल्विन. और हम ये सिस्टम किसको बोला जाता है? एसआई यूनिट को. तो जो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. ठीक है, केल्विन में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को. ठीक है, आपने देखा होगा कि वो सेल्सियस में किया जाता है, तो वो अदर्स यूनिट होती है. ठीक है, वो अदर्स स्केल होते हैं, जैसे फारेनहाइट में भी किया जाता है. ठीक है, वो अदर्स स्केल होते हैं, बट जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी केल्विन. ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? के से, कैपिटल. ये
केसेस को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर बाय यूजिंग अदर स्केल, जैसे मैंने बोला था अदर स्केल भी होते हैं जिसके थ्रू अपन टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उसमें देखो फर्स्ट है सेल्सियस, किसके अलावा है केल्विन के अलावा, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फारेनहाइट, ठीक है। अब सेल्सियस को डिग्री, इसको डिग्री सी से भी डिनोट किया, इसका सिंबल क्या होता है डिग्री सी, और ऐसे ही फारेनहाइट का क्या होता है डिग्री एफ, ठीक है। और सेल्सियस को डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला जाता है, ठीक है, बहुत सी जगह बुक डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत सी जगह डिग्री सेल्सियस और इसको फारेनहाइट, ठीक है। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड को यदि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं 273.15 ऐड कर देते हैं, किसमें डिग्री सेल्सियस में, तो हमें किसमें जो टेम्परेचर मिलेगा वो किसमें मिल जाएगा केल्विन में, मतलब जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं 273.15 केल्विन को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर फारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फारेनहाइट को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन सेल्सियस में, ठीक है, फिर उसको किसमें करेंगे केल्विन में। अब ये कैसे करेंगे तो ये आगे आएगा, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ बस, आगे सब आपके कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले आएंगे उसके थ्रू अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल, देखो मैं तीन स्केल होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के, एक तो सेल्सियस, सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन स्केल की, फिर सेल्सियस स्केल, और थर्ड होता है फारेनहाइट स्केल, ठीक है। सेल्सियस स्केल में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 0 डिग्री केल्विन, ये 0 केल्विन डिग्री, ठीक है। और जो मतलब जो फ्रीजिंग स्टेट, और इसमें क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब जो फ्रीजिंग स्टेट होती है, ठीक है। और हम फारेनहाइट की बात करें फारेनहाइट स्केल में, तो 32 डिग्री फारेनहाइट ये इसकी क्या होती है मतलब फ्रीजिंग स्टेट होती है, मतलब कोई भी जो लिक्विड मतलब इस पॉइंट पे क्या मतलब जो वाटर की फ्रीजिंग स्टेट ये होती है, ठीक है, ये मैंने बताया, अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीन स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल, तो देखो द सेल्सियस स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में इसको मतलब डिग्री सेल्सियस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और दिस स्केल इज बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, इज बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, देख लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इस लाइन का मतलब समझना है, मीन समझना, मतलब जो स्केल होता है ना वो किस पे, मतलब इसमें अभी जो मैंने बात करी थी आपको फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो मतलब एक वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बेस होता है। अब वाटर के लिए इसमें जीरो डिग्री क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री से यदि हम किसी मतलब वाटर को हीट अप करें और थर्मोमीटर मतलब सेल्सियस स्केल उसमें डालें, तो वो मतलब जब बॉईल करने लग जाएगा तो दैट मींस स्केल में जो टेम्परेचर रेंज बताएगा वो कितनी बताएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ये। और यदि मान लो वो जो आपका जो वाटर है वो फ्रीजिंग हो रहा है, तो कंप्लीट जहां तक फ्रीजिंग नहीं हो जाएगी वाटर की वहां तक वो कितना टेम्परेचर बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज माइनस में जाएगा, ठीक है। एज देयर इज 100 डिग्री इंटरवल बिटवीन दिस रेफरेंस पॉइंट, अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज देर इज 100 डिग्री इंटरवल बिटवीन दिस रेफरेंस पॉइंट, जो इनमें रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं फ्रीजिंग टू, अब इसमें कौन से रेफरेंस पॉइंट की बात हो रही है, जो फ्रीजिंग पॉइंट टू जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो इंटरवल होता है
ये रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो दोनों के बीच में जो इंटरवेल होता है वो 100 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एज देर इज 100 डिग्रीज इंटरवेल बिटवीन दिस रेफरेंस पॉइंट, मतलब 100 डिग्री में वो डिवाइडेड होता है, 1 2 मतलब 0 से यदि हम स्टार्ट मतलब 100 तक पहुंचना है तो हमें 100 स्टेप मतलब 100 डिग्री चल के आना पड़ेगा, ठीक है, समझने के लिए। दिस स्केल इज समटाइम कॉल्ड द डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, में ये मैं आपको बता चुका हूं कि दिस स्केल इज मतलब इसको बहुत सी जगह डिग्री सेल्सियस के नाम से जानते हैं, और बहुत सी जगह इसको किसके नाम से, डिग्री सेल्सियस, और बहुत सी जगह डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखो इस स्केल को किसने इन्वेंट किया था, फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंडर सेल्सियस, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था कब, 1742, और ये एक एस्ट्रोनोमर थे, ठीक है, तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्केल को डिस्कवर किया था, ठीक है। और यदि वर्ल्ड वाइड अपन स्केल यूजिंग की बात करें तो जो मैक्सिमम स्केल यूज होता है वो डिग्री सेल्सियस ही यूज होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्केल कौन सा, डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, तो देखो इसको किसने डिस्कवर किया था, फ़ारेनहाइट स्केल को किसने डिस्कवर किया था, ये डेनियन गार्बियर है ना, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने केल्विन अपन ने बात करी ली, सेल्सियस या सेंटीग्रेड की भी हमने बात करी, इसके अलावा अपन आते हैं फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। दिस स्केल इज इन्वेंटेड बाय जर्मन फिजिसिस्ट डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1722 में इसको डिस्कवर किया था। दिस स्केल इज रिप्रेजेंट बाय द डिग्री फ़ारेनहाइट, अपन ने पढ़ी लिया, विच स्टैंड फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट, वही डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको मेजर किया गया, ठीक है, इसमें जो रीडिंग होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में होती है, ठीक है। अब देखो इसमें जो जैसे वहां जो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें किसके इक्वल होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, आपने, और जो जैसे आपके जो मतलब लोअर क्लास में आया होगा कि एक हेल्थ ह्यूमन बॉडी का मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होता है या फॉरेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है सेल्सियस में 37 डिग्री, और यदि फॉरेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये वही स्केल है फॉरेनहाइट वाला, ठीक है। और ये जो फॉरेनहाइट स्केल है, ये फॉरेनहाइट स्केल ये मैक्सिमम यूएस में यूज होता है, ठीक है, यूएस ये कनाडा वगैरह में, ठीक है, यहाँ पे यूज होता है, और जो मैक्सिमम यूज होता है वो सेल्सियस वर्ल्ड वाइड है ना। देखो दिस स्केल इज बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो इसमें जो जैसे अपन जैसे वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहां वो किसके इक्वल होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहां 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है, ये होता है इसमें। तो ये 32 क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया वाटर का है ना, और ये क्या हो गया, 212 बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मतलब जिस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट, एट दिस पॉइंट द वाटर या लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू अ सॉलिड, तो वो तो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और एट पॉइंट एट विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू अ वेपर, लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू अ गैस, वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें देखो यदि अपन इसमें 212 में से 32 को माइनस करें तो जो गैप आता है इनके बीच का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वो कितना होता है, 180, तो दैट मीन्स इसमें रेफरेंस डिफरेंट पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है, तो देर इज ए 180 डिग्री इंटरवेल बिटवीन द टू रेफरेंस पॉइंट, वह रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब कन्वर्जन टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनोदर स्केल, ठीक है, अब हम जो टेम्परेचर को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो इसके हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब मैंने बोला था ना कि डिग्री सेल्सियस को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया था, 273, ये जैसे 273
273 ऐड कर देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, 270 मतलब 273.15 केल्विन, है ना। तो ये 0 डिग्री में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270.15 केल्विन में हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में। अब यदि मैं बात करूं फोरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे। और मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस को फोरेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बट ये दोनों फॉर्मूले आए कहां, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो अब हम बात करें तो इसमें जो फ्री वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से होता है, देखो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, है ना। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री, ठीक है। और यदि हम बात करें, ठीक है, डिफरेंस कितना होता है दोनों में, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट। और यदि मैं किसकी बात करूँ, फ्रीजिंग पॉइंट की, सॉरी अब यदि मैं फारेनहाइट की बात करूँ, तो फारेनहाइट में क्या होता है, 32/180 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ठीक है माइनस, अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। ये 0 डिग्री का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, 2 से दोनों को काट लूँ तो ये 5 टाइम, ये 9 टाइम, ठीक है, हो जाएगा। अभी क्या हो गया, C/5 = F-32/9, ठीक है। तो यदि मेरे को डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री फॉरेनहाइट को इधर ही रहना, तो सबसे पहले क्या करो, C/5 °C/5 (5×9), ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये इधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे, +32, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कौन सा, डिग्री फॉरेनहाइट को डिग्री सेल्सियस को, ये कौन सा फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करने का, फॉरेनहाइट, ठीक है। अब सेल्सियस का ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डिग्री फॉरेनहाइट जैसा का जैसा आ जाएगा, अब देखो इसको मैं इधर ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 32 - क्या हो गया, C/5 × 9, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, F-32, तो इसको मैं इस तरीके, इसको 9 इधर आएगा तो अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का हो गया। और ये किसमें, ये डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, तो कहाँ से आया, तो देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेल्सियस वाले का 100, और इसका इसका कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। मतलब गैप कितना होता है दोनों के बीच में, ये गैप है 0 to 100 डिग्री, इसका क्या होता है, 212 डिग्री फॉरेनहाइट, तो 32 से यहाँ तक जाने में कितना गैप है, मतलब ठीक है 180, यहाँ पे 100, और एब्सोल्यूट कितना होता है इसका, ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0, इसका 32, तो दोनों को लेके सोल्व कर लिया, नॉर्मल हो रही है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे का स्टडी करेंगे, ठीक है।